हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भू राजस्व संशोधन विधेयक पारित कर तय समय सीमा पर राजस्व कार्यों को निपटाने के आदेशों के खिलाफ जिला के पटवारियों व कानूनगो ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में प्रदेश सरकार से जिला संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के रिक्त पदों को भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि 25 से 70% कानूनगो व पटवारी के पद खाली होने व सुविधाओं का अभाव होने के चलते 3 से 6 माह के भीतर राजस्व कार्यों को निपटाने में असमर्थता जताई। वहीं पटवार कानूनगो महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कपूर ने सरकार से महासंघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज उपायुक्त हमीरपुर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है, यदि सरकार महासंघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो ये आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सबसे पहले तो आप सब मीडिया वालों का, चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार कानूनगो महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष, जैसा कि पिछले दिनों सरकार ने विधेयक लेके आई है, कानून लेके आई है कि सारे पटवारी को कानूनों को समय के अंदर काम करना है। हम सरकार के साथ हैं, हम इस विधेयक के साथ हैं, हम विधेयक के अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि अगर 12 महीने 1 साल के होते हैं, अगर निशानदेही की बात करूं तो 6 से 7 महीने हमारी फसल खड़ी रहती है, घास होती है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कानून सरकार ने बनाया है ये धरातल पर लागू हो पाएगा। सरकार हमें चर्चा के लिए बुलाएं, सरकार चर्चा के लिए भाग के रही, हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं, सरकार से अमेंडमेंट चाहते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए, वो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें चर्चा के लिए बुलाया जाए। अभी आप उपायुक्त जी से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया? उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो सरकार तक जरूर जाएंगी, होनी चाहिए, जरूरी है। साथ ही साथ मैं सरकार से ये भी बताना चाहूँगा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, चर्चा के लिए नहीं बुलाती है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा, और इसके लिए मुझे लगता है सरकार को जिम्मेदार होगी।